की हाल चाल, व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप गाइस। सो मैं हूँ अपने घर, मतलब घर मतलब गाँव, गाँव मतलब विश्व इन द पिंड वे में, अपने कुलगड़ी वे में। नमस्ते जी, कैसे हैं जी, क्या लानो कौनो सारे कहने हैं तुम्हें। तो देखो गाइस, मुझे बहुत कम आती है पहाड़ी वाड़ी, तो मुझे समझ पूरा जाता हूँ, लेकिन पहाड़ी बहुत कम आती है। तो लेट मी शो यू, तो आज हूँ मैं भुट्टी कैंची। आपको अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, दैट इज़ द भुट्टी कैंची टू टिकर टिकर वाया वाया भुट्टी होते थाना होते, मैं आपको ले जाऊंगा टिकर तक। ज़्यादा मैं बीच में कहीं भी भूल जाऊं, ज़्यादा मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट आप लोग जो भी कुड़गड़ी हैं, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर मैं कहीं गलत हूँ कुछ बताने में तो प्लीज़ करेक्ट मी। भुट्टी कैंची के बाद एक चीज़ आया है जमेरी, तो जमेरी के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ लिखा है बनोट 3 किलोमीटर, तो बनोट आई थिंक 3 किलोमीटर रह चुका है। Wow, I love Honda here. Wow, very good. अच्छा, तो एक नॉर्मली बात करते हैं, तो हमारी कुड़गड़ में ना जी, तो बहुत अच्छी जो लैंग्वेज है, जो हमारा पहनावा है ना, बहुत ही आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कल्चर। लेडीज़ जो होती है हमारी, वो हमारे पहनते हैं यहाँ पे पेटीकोट, स्लुक्का वगैरह। जो हम होते हैं मर्द हैं, जो वो पहनते हैं कुर्ता पजामा को हम कहते हैं सुतण, ठीक है जी, कुर्तो सुतण स्लुक्को। तो ये चीज़ें होती हैं। मुझे बहुत कम ही पहाड़ी आती है। मैं ज़्यादा पहाड़ी में बात नहीं कर पाता हूँ, पर हाँ मैं समझ पूरा जाता आता है। लेकिन पापा की कुछ दो चार जो बातें हैं ना, वो बहुत, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पापा बोलते रहते हैं कि जौके की होते रहे जौके लाउन कॉर्नू। तो जौके लाउन कॉर्नू इज मीन्स आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। तो जो क्या कियो, मतलब बहुत ही एग्रेसिव वे में, ये क्या कर दिया ऐसे, मतलब क्विकली नो जो क्या कियो। तो एक पापा का बहुत ही फेमस है, जो क्या लाओ बनाओ तुड़िए तोंग। तो विच मीन्स बहुत ही फनी वे में, कि मतलब आप कुछ कर रहे हो। ओके गाइस, बिफोर आई से समथिंग, वी हैव रीच्ड भड़ासा, ऑन द वे ले जा रहा हूँ बस, ठीक है, बस आप देखते रहिए। अच्छा, तो अब मैं आपको से बनाना नहीं आती है, बट स्टिल दे डू देयर बेस्ट, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बन जाता है। तो आप वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चौके लाओनो बनाओ तुड़िए तोंग। तुड़िए तोंग मतलब तुल्ली के तोंग। तोंग मतलब तोंग को क्या बोलते हैं यार, हिंदी में क्या बोलेंगे, बरांडा, मतलब एक बरांडा होता ना, बरांडा को वो होता है पिलर पे, ठीक है, तो पिलर पे बरांडा इज स्ट्रॉन्ग। तो बट तुड़िए तोंग मतलब तुल्ली, जिसका झाड़ू होता है उस पर आप वरांडा बनाओगे तो गिर जाएगा ना यार, ऑब्वियसली बात है। तो दैट इज़ वेरी फनी में, जो अक्के लाओ ना बनाओ तुड़िए तोंग, आई लव इट, ठीक है जी। और हाँ, बहुत फेमस है, तेरी माल है जो अक्के कियो। तेरी माल है मतलब इज़ नॉट अ गाली, मतलब वो बहुत ही स्वीट लगता है, प्यार से लगता है, वो गाली नहीं है, बहुत स्वीट लगता है वो। तो तेरी माल है जो क्या कियो, मतलब तूने क्या कर दिया, इंग्लिश लाइक व्हाट द फक मैन, यू डिड इट, व्हाट यू डिड इट। ओके, वी हैव रीच दी लोड़ी गार्ड। ओके, तो अभी तक हमने 3 स्टेशन कवर कर चुके हैं, छोटे छोटे गांव कवर कर चुके हैं। पर ये देखो मेन रोड में सब लिखा हुआ है, वाव, देखो कितना फेमस है हमारा कोटगढ़। हमारे कोटगढ़ में ऑटो भी चलता है, देखा, किसी गांव में ऑटो चलता है किसी गांव में ऑटो, बताओ जरा, कमेंट करो मेरे, मुझे बताओ ऐसा कौन सा गांव है जहाँ ऑटो चलता है। हमारे गांव में ऑटो चलते हैं, यहाँ से नारकंडा इज 26 किलोमीटर, देन थानेदार मैं लेफ्ट लूँगा तो 10 किलोमीटर, भुट्टी मैं लेफ्ट लूँगा 2.5 किलोमीटर, ओडी मैं अगर यहाँ से राइट लूँगा तो सीधा जाएगा दलान होते, मतलब कुड़गढ़ होते, आगे से पहुंचेंगे 33 किलोमीटर, वहाँ से हम NH पकड़ते हैं बिल्कुल नारकंडा के लिए। फिकनेटी भी सेम वे उधर ही, कुड़गढ़ भी यहाँ से 12 किलोमीटर राइट। लो जी, ये मैंने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मैं जा रहा हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, मैंने वहाँ से नीचे से कैंची से लिया। तो यहाँ से पूरी अब चढ़ाई है, आप कह सकते हो थानादार से थोड़ा सा पहले तक, ठीक है, चढ़ाई है। अब यहाँ से यू हैव टू ड्राइव वेरी सेफ, क्योंकि आप देख सकते हैं रोड बहुत नैरो है, लेकिन अच्छा रोड है, गाड़ी कभी भी आ सकती है। तो
आप आराम से ड्राइव करें और यू नो सेफली ड्राइव करें। देखा मैंने कहा था आपको गाड़ी कभी आ सकती है, तो गाड़ी इज हियर अबाउट टू बी देयर। ये देखिए अब यहाँ पे सेब के पेड़ शुरू हो गए हैं। कोडगढ़ को कहा जाता था कोडगढ़ वॉज वन ऑफ द बेस्ट विलेज इन एशिया, एशिया में। उसके बाद आई थिंक मड़ाव को दिया गया विच इज़ इन कोटखाई अगेन, और क्यारी वॉज अगेन इज अगेन इन कोटखाई। उसको इसका बेस्ट विलेज ऑफ एशिया दिया गया था। बट यस इफ़ यू आस्क सेब कहाँ से आए, सेब कैसे बना, तो सेब सब कुछ इसकी पैदावरी मतलब द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एक्चुअली जहाँ से शुरू हुआ था दैट इज़ आर विलेज कोटखाई ओनली, जो स्टॉक्स ने लाया था। आई एम प्रीटी श्योर मुझसे ज़्यादा नॉलेज सबको है यहाँ पे, और जिसको नहीं पता है तो दिस इज़ फॉर देम, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। आई जस्ट रिमेंबर कि स्टॉक्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेब लाए थे। और ये गाड़ी देखो सेकंड गियर में भी नहीं चल रही है, तो फर्स्ट गियर चढ़ती रहती है, पर धीरे धीरे ड्राइव कर रहे हैं तो ये फर्स्ट गियर पे ही चढ़ेगी, अदरवाइज सेकंड इज आल्सो गुड। देख रहे हो ना कितना चढ़ाई है, इट्स लाइक नहीं चढ़ रही है, फर्स्ट गियर पे जाएगी गाड़ी। इज द वन जो रात को पूरा लुक्स लाइक अ होटल, यू नो फुल ऑफ लाइट्स एंड लाइट्स, इट्स अमेजिंग। जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, और जिसका भी है बहुत अच्छा है, वेल डन बड़ी, जिसका भी घर है सुपर्ब, मतलब ऐसा होना चाहिए। देखो आई थिंक ये जो कर रहे हैं लेडी यहाँ पे जो काम कर रही थी आपने देखा होगा, आई थिंक इसको कहते हैं रोच कहते हैं, पता है रोच ही कहते हैं आई थिंक, मतलब जो कायल का होता है ना इसको काट के घर ले जाते हैं, फिर इसका गाय के नीचे के लिए गर्माइश के लिए सर्दी करते हैं और फिर वो उसका गोबर बनता है। एंड दिस लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेडी, ये है हमारी प्रॉपर ड्रेस यहाँ की जिन्होंने पहन रखा है, पेटीकोट और यू नो स्लुका फिशाल धाटू। वाव यार, मतलब यहाँ आते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, मतलब यहाँ के लोगों को आप सुनते रहो बस, इतने सॉफ्ट स्पोकन है, इतने वेल एजुकेटेड पीपल है यहाँ पे, यू नो यू डोंट फील लाइक गुंडागर्दी टाइप, जैसे होता है ना बाकी गाँव में यू फील लाइक गुंडागर्दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो कि बात करते डर लगता है। यहाँ बड़े मतलब एवरी सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज एजुकेटेड एंड दे नो हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक एंड दैट मैटर्स अ लॉट राइट। पैसा वैसा सबके पास है, बहुत है, बहुत पैसा लोगों के पास, यू नो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पैसा है, बहुत पैसा है, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे डोंट नो हाउ टू ईट, दे डोंट नो हाउ टू वॉक, दे हैव नो एटिकेट्स, ठीक है, शो ऑफ है बस। हमारे कोटखाई में एक जो बंदा जिसकी 50 पेटी से भी होती हुई ना, उसका भी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू द पर्सन हु हैव यू नो इसका 5,000 सेब का पेटी होता है। एवरी वन इज इक्वल, सबके घर में जाओ सब इक्वल है, सबके स्टैंडर्ड इज अप टू मार्क, दैट इज व्हाट इज कोटखाई ऑल अबाउट। चलिए अब हम बुड्डी पहुंचने वाले हैं आई थिंक, यस स्टेशन, मतलब गांव अलग है बट हर जगह एक स्टेशन बना रखे हैं। ने देखा भी होगा क्योंकि कितनी चढ़ाई है, रोड नैरो है बट परफेक्ट है। ये भी गो काम, यहाँ पे काम चल रहा है, मैंस एट वर्क, खान भाई काम कर रहे हैं। फाइनली जी फाइनली पहुँच गए हम बुड्डी की मार्केट पे। बहुत खतरनाक मोड़ है ये, मतलब ये देखना आपने कितने मुश्किल से गाड़ी मोड़नी पड़ती है यहाँ पे, देखो ये है विको, ये पहुँच गए जी हम बुट्टी। यहाँ से मैं आपको नीचे को दिखाता हूँ,
लुक एट द व्यू यहाँ से, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग कटिंग कर रहे हैं, छांग कर रहे हैं, छांग किसी कर रहे हैं, बादाम की छांग कर रहे हैं, बादाम की आई थिंक। रोड्स कितने बेटर हैं, आपको लगता है कि ये कोई गांव के रोड हैं? तो टेक अलाउ किए इस मतलब क्या करें, अब क्या करना है। अब ये हिमफेड वालों का यहाँ पे बाली में ऑफिस है, जहाँ पे आपको सब खादें वगैरह मिलती हैं यहाँ से पेड़ों के लिए। ये देखिए थाना 3 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, एक नीचे को रोड जा रहा है, उसको कहते हैं शतला, शतला के यहाँ से रोड है। अभी ये बहुत रिसेंटली आई थिंक ये रोड खुला हो, ये आ गया है डाबी। डाबी में भी एक गेस्ट हाउस है बाय द नेम ऑफ देवदार कॉटेजेस, वेरी गुड, सुना है उसके बारे में। बट या ये जो आप देखेंगे जो गेट है यहाँ छोटा सा, ये मैडम स्टॉक्स के बगीचे के लिए जाता है रोड, जो पूरा बंद है। स्प्रिंग संडे आज, तो पूरी शॉप्स बंद हैं। थानादा स्टेशन विल फाइंड पीपल कुर्ते सुतण में। और देखिए संडे मतलब संडे, ये है पूरा हेरिटेज हाउस। नारकंडा इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, एंड ये देखिए पूरा हाई स्कूल। ये जो ग्राउंड है नीचे, यहाँ पे थानेदार का मेला होता है, ठीक है। फेमस टेलर है यहाँ पे थानेदार में, और इनके पास बहुत भीड़ होती है। छोटी सी दुकान है ये, जो मैंने यहाँ पे कपड़े दिए थे सिलाने के लिए, अपना कुर्ता सुतन सलूका वगैरह वगैरह, आज उसको 1.5 महीना हो चुका है। अब मुझे नंबर मिला है कि आपके कपड़े बन गए हैं, आप आके कलेक्ट कर लीजिए, पर यहाँ पे कोई है नहीं है, कहाँ गए सर? बहुत खुश हूँ यार, मुझे ये कपड़े दिए थे सिलाने के लिए, कुर्ता सुतन सलूका वगैरह जो भी था, फाइनली मुझे मिल गया। वाह, अब इसको पहनेंगे ना, बन जाएंगे पूरा मतलब कुड़गड़ी टाइप, मस्त हो गया। अब तो बहुत टाइम लग गया था यहाँ पे थानेदार में, एक्चुअली भी बुई हमारे बोलते हैं पहाड़ी में, बुई को इस बुआ वो मिल गए थे, तो बस उनके साथ अपने स्कूल के लिए। सो गाइस ये है, ये एक रास्ता था, ये और रास्ता था यहाँ से ना, जब मतलब तो कभी भी यहाँ सीधा पैदल नीचे शॉर्टकट में सीधा KPS। लुक एट ब्यूटीफुल हाउस, कितना सही बनाया है, बहुत ही सही बनाया, जिसने भी बनाया बड़ी, जिसका भी घर है ये सुपर बड़ी, सुपर आर्किटेक्चर वर्क, लव्ड इट, डिज़ाइन ऑसम। ये जो यहाँ वाला कर्व है ना बहुत ही डेंजरस है, एक दो बार यहाँ से गाड़ियाँ नीचे चला भी गई है यहाँ से, इस पॉइंट से। अगर ऐसे नारकंडा वाले में सब दिखेगा, सब वो टॉप में जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, दैट्स अपकमिंग होटल आ रहा है वहाँ पे, कोई 5-star लग्जरी होटल इज कमिंग अप, वो है नारकंडा। आप पहुंचने वाले हैं जरोल में, देखो लोग वहाँ पर ताश खेल रहे हैं बैठ के आराम से। ये है जी जरोल, देखो लिखा बड़ा बड़ा जरोल जोर और ओला। सो ये है लेफ्ट साइड गोज टू ताना जुबर, जो ऊपर लेक भी है, और स्टेट को स्टिकर। आजा निकल जा आगे, सो दिस स्टेट गोज टू नारकंडा एंड लेफ्ट गोज टू ननखड़ी, और पूरा फुल बर्फ है यहाँ पे।